पाकिस्तान में जब खेल की बात की जाए तो लोगों के जहन में क्रिकेट का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन कराची की गलियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ बच्चे, जवान, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी कई दूसरी खेलों का शौक रखते हैं। बिफोर एंड आफ्टर बताएं ना, पहले लियारी कैसा था और अब कैसे, और ये सारा एजुकेशन का जो सफर, और कब से आपने इसको अडॉप्ट किया? लियारी की जो सोच है, जो इंसेप्शन है, वो तो शुरू हो गई थी 2004 में मुझ में। 2006 में मैंने स्कूल की शुरुआत की और उसकी नीड बेस था, जो ज़रूरत थी यहाँ की, वो मैंने महसूस की कि यहाँ पे मोहब्बत की ज़रूरत है। अच्छा, ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ तो इनको स्पोर्ट्समैन बनाए, तो ऐसे लग रहा है मुझे जैसे ये अभी तैयारी कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल उसमें जाने की। जी जी बिल्कुल, जिमनास्टिक्स हमारा बहुत बड़ा फोर्टे है, बच्चे बहुत अच्छे हैं इसमें। अभी हमारे कुछ एक हफ्ते के बाद ऑल कराची जिमनास्टिक्स इवेंट है और उसमें इंशाल्लाह ताला दे हैव बीन विनिंग सिंस पास्ट टू इयर्स, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने जिमनास्टिक्स विन किया है ऑल कराची। आई एम सिंपली हम्बल्ड टू बी हियर। मैं वो शख्स हूं जिसने एचएसएन कॉलेज में पढ़ाया भी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा भी है, पूरी दुनिया भी घूमा हूं मैं, लेकिन आज सो सेटिस्फाइंग टू बी इन लियारी कि माशाल्लाह आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू, ऑल माय चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच for your existence. Thank you. Love you. Love all of you.